अगर हमारी मांग जल्दी नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी चिकित्सालय प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की होगी। प्रोबेशन पीरियड पूर्ण करने के बावजूद भी नर्सिंग स्टाफ को नहीं मिल रहा पूरा वेतन। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लेट लतीफी के कारण फिक्सेशन होने के बावजूद नहीं दिया जा रहा पूर्ण वेतन और एरियर। सोमवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में कार्यरत पर्यवेक्षणकालीन नर्सिंग ऑफिसर नर्स ग्रेड द्वितीय के प्रोबेशन पीरियड को पूर्ण कर चुके नर्सिंग स्टाफ ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर भावना गर्ग को ज्ञापन सौंपकर अजमेर जेएलएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर दबाव डालकर उन्हें उनका रुका हुआ वेतन और एरियर भुगतान जल्द से जल्द कराने की अपील की। नर्सिंग एसोसिएशन अध्यक्ष गंगा शरण जाटव और नर्सिंग ऑफिसर पैट्रिशिया डैनियल ने बताया कि नर्सिंग ग्रेड द्वितीय का प्रोबेशन पीरियड 28 अप्रैल 2022 को पूर्ण हो चुका है तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर से स्थायीकरण के लिए नियत वेतन देय 29/4/22 के आदेश जारी हो चुके हैं। बावजूद इसके उन्हें पूर्ण वेतन और एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा, जिससे उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जिला प्रशासन यथाशीघ्र मामले में हस्तक्षेप कर उन्हें पूर्ण वेतन और एरियर का भुगतान कराने का कष्ट करे, अन्यथा सेवाएं बाधित करने जैसे आंदोलन की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज प्रशासन की होगी। आज हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, जेएलएन मेडिकल कॉलेज व जेएलएन चिकित्सालय के अंदर नर्सिंग भर्ती 2018 में चयनित कर्मचारी जिनका परीक्षण काल 29 अप्रैल 2022 को कम्प्लीट हो चुका है, उसके बाद डीएमएस चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान द्वारा फिक्सेशन के आदेश स्थायीकरण के आदेश कर दिए गए हैं। उसको करीबन 2 से 3 महीने हो चुके हैं आदेश किए हुए, लेकिन अभी तक जो नियत वेतन मान की जो तिथि है उसके अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनके एरियर नहीं बनाए जा रहे हैं। पूर्ण जो वेतन दिया जाता है परीक्षण काल पूर्ण होने के बाद कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। वहीं जेएलएन चिकित्सालय और जेएलएन मेडिकल कॉलेज में कुछ कर्मचारी जो उसी भर्ती में शामिल हुए थे और उन्हीं के साथ के कर्मचारी हमारे साथ के कर्मचारी हैं, लगभग 26-27 कर्मचारियों को पूर्ण वेतन का लाभ दे दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। क्योंकि चिकित्सालय प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन है कर्मचारियों की बार बार में नर्सिंग कर्मचारियों की अनदेखा करता है और जो भी कर्मचारियों की मांगे होते हैं उनको समय पर पूर्ण नहीं किया जाता है। आज मजबूरन में हमको जिला कलेक्टर महोदय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, क्योंकि विभाग से एक संशोधित आदेश भी आए हैं जिसमें इनको वास्तविक लाभ देने के लिए आदेश किए गए हैं कि इनको 29 अप्रैल से इनका वास्तविक लाभ दिया जाए, लेकिन अभी तक उस पर बार बार में फाइनेंस का कभी किसका हवाला दे के उन आदेशों को उलझा जा रहा है। साफ स्पष्ट आदेश करते हुए भी विभाग ने जो स्पष्ट आदेश किए हैं उनको बार बार में उलझा जा रहा है और कर्मचारियों को जो पूर्ण वेतन का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारी आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर हमारी मांग जल्दी नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी चिकित्सालय प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की होगी। कहना चाहती हूँ कि जब जिस दिन से हमारा प्रोविजन पीरियड फिनिश हुआ है उस दिन से हमारे को पूरी सैलरी मिली जाए। हम लोग इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, बाकी सारे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पूरा सैलरी मिल रहा है हम लोगों के लिए। कितने सारे अभी हमारे को किस्तें चुकानी बाकी हैं, हमारे खुद के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोगों को दूसरी चीज़ों के अंदर फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये लोग समझते ही नहीं है। हम लोग तो सिर्फ हमारे को कितना जगह कितने सारे स्टाफ हैं और लोग किसी की EMI किसी की बाउंस हो रही है, किसी का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये लोग समझते ही नहीं है। हम लोग बार बार जाके एक महीना हो चुका है, एक महीने से ज़्यादा हो चुका है, हम लोग जा जाके अपनी ड्यूटियाँ करें, अपना घर संभालें या इन लोगों के पास जा जा करके अपना प्रॉब्लम के लिए पूछें। ये लोग कुछ भी हमारे लिए हेल्प नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। इनको आप समझाएं, या तो इन कलेक्टर महोदय से यही निवेदन करते हैं हम लोग कि ये किसी भी तरीके से हमारी इस प्रॉब्लम का हल निकाला जाए और हमारे को हमारा 29/4/2022 से हम लोगों को वेतन दिया जाए और पूरा वेतन दिया जाए। बस यही हमारे लिए आपसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद।